नमस्ते, मैं हूं निधिश्री सिंह और मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं हमें अपने मेकअप ब्रशेस किस तरीके से साफ करने चाहिए और कुछ बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए अपने मेकअप ब्रशेस को साफ करते वक्त। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें अपने मेकअप ब्रशेस को क्यों साफ करना चाहिए, अब इस बात पर चलते हैं। अगर मेकअप इस्तेमाल करने के बाद हम अपने ब्रशेस को साफ ना करें तो जो मेकअप, मानिए आप मेरी तरह 2 हफ्तों में एक बार उन ब्रशेस को साफ करते हैं, पर अगर आप ना करें तो वो मेकअप इन ब्रशेस पे जमा होते रहता है और वो इन गंदे ब्रशेस को आप फिर यूज़ करते रहें बार बार, तो आपके चेहरे पे पिंपल या इन्फेक्शंस वगैरह ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो इन्हीं सारी बातों को टालने के लिए हमें अपने मेकअप ब्रशेस को मतलब टाइम टू टाइम साफ करते रहना चाहिए। अब मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाऊंगी जिसमें आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से अपने ब्रशेस को क्लीन कर रही हूँ और उसी साथ मैं आपको बताऊंगी आपको क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए और किस तकनीक से आपको अपने ब्रशेस को साफ करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रशेस को पहले हल्के गर्म पानी में रखें, अपनी हथेली पर थोड़ा सा बेबी शैम्पू या फेस वॉश लें। ब्रशेस को फिर अपनी हथेली पर हल्के हाथ से घुमाएं और उन्हें साफ करें। ब्रश को फिर पानी में अच्छे से धोएं, उसके बाद हल्के हाथ से किसी तौलिया या नैपकिन पे ब्रश को पोंछें। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि मैंने अपने मेकअप ब्रशेस को किस तरीके से साफ किया, अब चलते हैं उस मेकअप ब्रशेस सुखाने की तरफ। तो जब हम अपने मेकअप ब्रशेस को धोने के बाद उन्हें सुखाने जाते हैं तो ब्रशेस को कभी भी इस तरीके से, जिससे उनका जो ब्रिसल्स वाला पार्ट या जो पार्ट जिस पार्ट को आप इस्तेमाल करते हैं मेकअप लगाने के लिए, वो नीचे की तरफ हो, ताकि जो मतलब जो बचा हुआ पानी है, जो ज़्यादा पानी है जो रह जाता है ब्रशेस को पोंछने के बाद भी, वो ब्रश के नीचे ऐसे धीरे धीरे गिर जाए। और ऐसे रखेंगे अगर अपने ब्रशेस को तो चांसेस है कि जो पानी है वो यहाँ पे जमा हो जाए और फफूंदी लगने के चांस होता है, और ब्रश जो इन ब्रिसल्स को एक साथ पकड़े रखता है, जो गोंद है, जो ग्लू है, वो भी कमज़ोर हो सकता है, ख़राब हो सकता है और आपके मेकअप ब्रशेस ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए कभी भी ब्रशेस को सुखाने के लिए उन्हें इस तरीके से रखना चाहिए, ताकि जो ज़्यादा पानी, जो पानी बच जाता है, वो आपके आपके ब्रशेस के अंदर ना जाए बल्कि बाहर निकल जाए। और सुखाते वक्त ज़रूरी नहीं है, पर मैं ऐसे करती हूँ कि मैं एक अपने तौलिया को या किसी नैपकिन को फोल्ड करके नीचे से बिछा देती हूँ और फिर अपने मेकअप ब्रशेस को किसी फर्नीचर के सहारे ऐसे खड़ा कर देती हूँ, ताकि मेकअप ब्रशेस इस पोजीशन में भी इस तरह से रहें और जो पानी, जो बचा हुआ पानी है जो ब्रशेस से निकलता है, वो ज़मीन पर ना गिरे। क्योंकि अगर वो पानी फर्श पर गिरता है तो कोई फिसल के गिर सकता है और चोट लग सकती है या फिर आपका काम बढ़ सकता है साफ़ करने का। तो इससे बेहतर होगा कि आप एक तौलिया रखें, तो इससे ब्रश भी ख़राब नहीं होंगे, ब्रश गंदे भी नहीं होंगे और जो पानी है वो कहीं गिरेगा भी नहीं, तो किसी के फिसलने का भी चांस नहीं होगा। उसके अलावा जब आप अपने ब्रशेस को पोंछें, जब एक बार धोने के बाद आप किसी कपड़े से उसे पोंछ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फोर्स, बहुत ज़्यादा जोर मत लगाइए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, इससे जो आपके ब्रशेस का आकार है वो बदल सकता है। और फिर एक बार जो ब्रशेस का जो आकार होता है, जैसे ये कॉन्टोर ब्रश है, इससे मैं अपने चीक्स बोन पे कॉन्टोर करती हूँ ताकि परछाई जैसा एक फॉर्म हो जाए मेरे चेहरे पे, ताकि चेहरा थोड़ा पतला लगे, इसलिए यूज़ किया जाता है। अब मानिए इस ब्रश का आकार ही बदल जाए तो इस ब्रश का कोई मतलब नहीं होगा। तो इसलिए एकदम हल्के हाथ से इन्हें पोंछना चाहिए साफ करने के बाद, ताकि इनका आकार ना बदले। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने जो सामान मैं इस्तेमाल करती हूँ मेकअप ब्रशेस क्लीन करने के लिए, जैसे कौन सा शैम्पू या कौन सा फेस वॉश मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने मेकअप ब्रशेस को क्लीन करने के लिए, उनके नाम और उन्हें आप कहाँ से खरीद सकते हैं उनकी लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ उन्हें देख सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी की भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, तो आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।